संकल्प अर्थात किसी अच्छी बात को करने का या किसी कार्य अनुष्ठान को करने का दृढ़ निश्चय करना, उसे संकल्प कहा जाता है। और कहा जाता है कि बिना संकल्प किए व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होती है। यानी कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है पूजा पाठ के, तो अगर वो व्यक्ति संकल्प नहीं लेता है तो बिना निश्चय के किया हुआ उसका जप का प्रतिफल उसको नहीं मिलता और पूर्ण लाभ भी नहीं प्राप्त होता है और आधा भाग उस व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है कि संकल्प के बारे में समझा जाए और संकल्प को कैसे किया जाए ये जाना जाए, क्योंकि सनातन धर्म है किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान मंत्र जप करने से पहले संकल्प का करना अति आवश्यक होता है। और हमारे शास्त्रों में बिना संकल्प के की गई पूजा अधूरी मानी गई है। और संकल्प के वैसे तो कई विधान हैं और बड़े लंबे चौड़े संकल्प ज़्यादातर व्यक्ति कर नहीं पाते हैं, इतना बोल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आज आपको सरल संकल्प की विधि बताने जा रहा हूँ, और जो कि संक्षिप्त संकल्प है जिससे ही हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और हमें संकल्प का लाभ प्राप्त हो जाता है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। देखिए, संकल्प के समय व्यक्ति को स्नान आदि करने के पश्चात में जिसी कार्य या मंत्र जप साधना देवी देवता का अगर व्यक्ति करना चाहता है, अनुष्ठान आरंभ करना चाहता है, तो उसे जब वह साधना में या मंत्र जप में बैठता है या अनुष्ठान पूजा पाठ में बैठता है, तो उसे अच्छी तरह से स्वयं को साफ सुथरा स्वच्छ स्नान आदि करके प्राणायाम करके अपनी शरीर की और मानसिक शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात व्यक्ति को शुद्ध स्थान पर बैठना चाहिए और तत्पश्चात व्यक्ति को अपने साथ में पंचपात्र रखना चाहिए। और पंचपात्र का होना घर में अति आवश्यक होता है, जैसे कि तांबे के बने हुए पात्र बाजार में मिल जाते हैं और उसी में ही हमें संकल्प करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं का जो चम्मच होता है उससे संकल्प हमें करना नहीं चाहिए। जितनी कोशिश हो उतना प्रयत्न करें कि दुकान से ताम्रपत्र का संकल्प करने वाला पात्र, चम्मच और कटोरी, ये तीनों सामग्री आप लेके आ जाएं और उसी में ही पवित्र जल भरकर रखें और उसके अंदर दो बूंद गंगा जल की डालकर रखें। तत्पश्चात हमें अपने दाएं हाथ में वह चम्मच भर के जल लेना पड़ता है। हमारा मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद में हमें जो मैं निम्न प्रकार से बता रहा हूँ उस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनें। सर्वप्रथम इसमें आएगा मासोत्तमे मासे। मासोत्तमे मासे बोलने के बाद में जो भी मास चल रहा हो उस मास का आपको नाम लेना है। इस प्रकार से फाल्गुन मास से शुरुआत होगी मास से, तो सबसे पहले मास का नाम लेना चाहिए जो भी मास चल रहा है। तो अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है तो फाल्गुन मास से, और उसके पश्चात आप पक्ष देखिए कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। तो अभी कृष्ण पक्ष है तो मैं कृष्ण पक्ष का नाम लूँगा, यानी कि कृष्ण पक्ष है। तो ये संकल्प हो गया मासोत्तम मास से फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष है। उसके पश्चात तिथि, यानी कि आज अमावस्या है तो मैं अमावस्या का नाम लूँगा। और जब भी आप आरंभ करें तिथि अपने कैलेंडर में देखिए कि प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, अष्टमी है, द्वादशी है, चतुर्दशी है, तो ये देख करके उस तिथि का नाम हमें लेना चाहिए जिस दिन आप साधना आरंभ करते हैं, मंत्र जब आरंभ करते हैं, अनुष्ठान आरंभ करते हैं तब की। उसके पश्चात ये संकल्प इस तरह से हो जाता है मासोत्तम मास से फाल्गुन मास से कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि हो अमुक वासरे। इसके पास में वार का नाम आता है तो वार में हमें इस प्रकार से संस्कृत में वार का नाम लेना चाहिए, जैसे कि अगर सोमवार है तो चंद्रवार बोला जाएगा, मंगलवार है तो भोमवार बोला जाएगा, बुधवार है तो सौम्यवार बोला जाएगा, और गुरुवार है तो बृहस्पतिवार बोला जाएगा, शुक्रवार है तो भृगुवार बोला जाएगा, और शनिवार है तो मंदवार बोला जाएगा, और रविवार है तो सूर्यवार बोला जाएगा। तो आज शनिवार है तो मैं आपको मंदवासरे इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो ये मंदवासरे आपका वार का नाम आ गया। उसके पश्चात आपको संवत का नाम लेना है। तभी विक्रमादित्य 2077 संवत है तो हमें 2077 संवत बोलना है। तत्पश्चात हमें
स्थान का नाम लेना है तो कौन से स्थान है, तो वो स्थान जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह आप साधना कर रहे हैं उस स्थान का नाम बोले, फिर उस जिले का नाम बोले, गांव का नाम बोले, फिर अपने राज्य का नाम बोले, उसके पश्चात देश का नाम बोले, अगर आप बाहर हैं तो उस स्थान का नाम बोले, जो भी स्थान पर हो उस स्थान का नाम हमें बोलना चाहिए। फिर पवित्र नदी गंगा का नाम लेना चाहिए, गंगा नदियों इस प्रकार से गंगा नदी का नाम लें। तत्पश्चात आप ऋतु का नाम बोलें, जैसे अभी बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु इस प्रकार से बोला जाएगा, और उसके पश्चात जो वाक्य आता है संकल्प में अपने गोत्र का, जो कि सबसे ज़रूरी है, तो अमुक गोत्रोत्पन्न हम की जगह हमें अपना गोत्र का नाम बोलना चाहिए, और अगर गोत्र का नाम याद नहीं है तो हमें नारायण गोत्र इस प्रकार से बोल देना चाहिए। उसके बाद में अमुक शर्माहम आता है तो अमुक शर्माहम की जगह में हमारा नाम लेना चाहिए, तो हमारा नाम बोल करके शर्माहम उसके पीछे इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो इस शर्माहम एक संकल्प का वाक्य है, तो ये अपने नाम के आगे लगाना जरूरी होता है संकल्प के समय, तो अपने नाम के आगे शर्माहम लगाएं। इसके पश्चात बोलिए एवं आदि ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे, यानी कि ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे बोलना है। तत्पश्चात आपको उस देवी या देवता का नाम लेना है, जिस देवी देवता की आप साधना या मंत्र जब आरंभ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप दुर्गा माता का अनुष्ठान कर रहे हैं तो माँ दुर्गा प्रीत्यर्थम इस प्रकार से आप ये बोला जाएगा। और उसके पश्चात जो आपका कार्य है, जो भी आपके मनोकामना, अगर किसी आप कामना के उद्देश्य से कर रहे हैं तो उस कामना के बारे में विचार कीजिए, और तत्पश्चात सिद्ध्यर्थे ये वाक्य बोलना है। उसके पश्चात में जपे विनियोग इस प्रकार से ये सब बोल करके, विनियोग बोलते ही आपको चम्मच का जल ज़मीन पर या उस कटोरी में जो ताम्रपत्र की कटोरी है उसमें आपको गिरा देना है, और कार्य पूजा समाप्ति के पश्चात जो कटोरी में जो जल होता है उसे हमें पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए, किसी के पैर के नीचे वो नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो यह बड़ा ही सरल सा मैंने संकल्प आपको जो बताया है ये अति महत्वपूर्ण है, और इस संकल्प को करके अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता हासिल होगी और आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।